वक्त का पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होना जरूरी है, गरीब बच्चों के लिए होना जरूरी है। दूसरा, दरगाहों की पोजीशन उसमें डिफाइन की जाए, दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन, हम चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। India's most trusted jeweler Tanishq अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। हुकूमत बिल्कुल जो हुकूमत होगी हम उसके साथ, ना तो हम बीजेपी से मिले, ना हम कांग्रेस से मिले, ना किसी अदर पार्टी से, हम हुकूमतें हिंद के साथ हैं और हुकूमतें कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती है, देश हित में काम करती है। एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है। मैं तमाम तंजीमों से अपील करता हूं कि हम अच्छे सजेशन दें, कुछ पॉइंट्स में अगर ज्यादा सीरियस कंसर्न है तो उसको हम रद्दोबदल कराएं, इसमें अमेंडमेंट कराएं, लेकिन इस एक्ट को पास कराना, इस एक्ट बिल को पास कराना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड की जो हठधर्मी था उसको दूर किया जाना जरूरी है। वक्फ अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी वक्फ की जा रही है, वक्फ कर दी गई, उसका वाकिफ का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फला बहबूदी के काम में लिया जाए, गरीब गुरबाओं के काम में लिया जाए, या उसकी आमदनी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं के काम में, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। आज कौन सा वक्त का इदारा है जो ऐसी स्कीम चला रहा हो कि जहां पर साल में कुछ बच्चियों की शादी होती हो, कुछ बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम होता हो, कहीं नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन भी रखे जाए कि जिसमें इस तरह की स्कीम चलाई जाए, वक्फ बोर्ड का जो पैसा है सही इस्तेमाल में हो। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए तो पैसा लेके निकल गए, कुछ लोग कारिंदे बन गए तो वो पैसे लेके, नहीं, ये सब गलत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते तमाम लोगों से, किसी के गुमराह ना हो, किसी के जज्बाती बयान से गुमराह ना हो, ये कोई जंग नहीं हो रही है, देश के कानून बनाया जा रहा है और आपके हक में बनाया जा रहा है। कोई अगर शको शुबा है तो वकील अवेलेबल है, उनसे राय शुमारी करें। कुछ पॉइंट हो सकता है कि सेक्शन में कोई अगर दिक्कत आ रही है उसको, अब बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएं, अपनी बात रखें, बड़े बड़े वकील हैं वो जाके रखें। लेकिन इसको कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, ये गलत है। हम लोगों ने समर्थन किया इस दो पॉइंट से किया, एक तो ये ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, वक्त का पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होना जरूरी है, गरीब बच्चों के लिए होना जरूरी है। दूसरा, दरगाहों की पोजीशन उसमें डिफाइन की जाए, दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन, हम चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसका कहीं ट्रिक है ही नहीं वो वक्त के अंदर कहीं। सजादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड होता है दरगाह का, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है होली सेंट का, उसकी कोई प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल एक्साइलेंट है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो बोरा और आगा खानी बोर्ड का प्रोविजन रखा है तो इसमें दरगाह बोर्ड का प्रोविजन भी रखा जाए, दरगाह बोर्ड अलग से बनाया जाए, या फिर इसी के अंदर दरगाहों की पोजीशन कस्टम ट्रेडिशन को डिफाइन किया जाए। पहला इशू तो आप लोगों से बुलाने का ये था। तीसरा पॉइंट ये था, दूसरा, कि आज अंजुमन खुद्दाम फायज साहब एक संस्था है अजमेर के अंदर जो